अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एजी इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स ग्रेड वन यूनिट नंबर सिक्स एंड यूनिट सिक्स इज अबाउट ज्योमेट्री टुडे आवर टॉपिक इज शेप्स एंड साइड्स ठीक है तो प्यारे बच्चों आपको याद है कि हमने पहले आइडेंटिफिकेशन की थी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स से चार शेप्स की ठीक है जिसमें हमने रिक्टेंगुलर शेप्स ऑब्जेक्ट देखे थे फिर हमने स्क्वायर शेप देखे फिर हमने ट्रायंगुलर शेप देखे और फिर सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट देखे फिर मैंने आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स भी दिखाई थी कि रिक्टेंगल किस तरह की होती है स्क्वायर किस तरह का होता है तो ये मैंने आपको साथ साथ छोटी छुड़ छोटी बातें बता रहा था तो ये बेसिकली इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ठीक है तो वो आज मैं आपको फिर रिकॉल करवाता हूँ कि ये शेप देखें इसको आप रिक्टेंगल कह रहे हैं ना इसका नाम रिक्टेंगल है वजह क्या है कि इस शेप में इट कि इसमें दो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं एक तो ये कॉर्नर कॉर्नर कहते हैं जहां पे दो साइडें आपस में मिलती हैं ठीक है ये इनके कॉर्नर कहलाते हैं ठीक है कॉर्नर को वर्टेक्स भी कहा जाता है और ज्यादा हो तो वर्टाइसिस भी बोला जाता है ठीक है तो ये कॉर्नर्स हैं बात समझ आ रही है आपको तो ये इसके चार कॉर्नर्स हैं, ये बात लिखी हुई है फोर कॉर्नर्स हैं और ये देख रहे हैं आप ये फोर साइड्स हैं। वन ये वाली देखो टू ये दे वाली थ्री और ये वाली साइड फोर ठीक है लेकिन क्या बात है इसमें इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल यानी अपोजिट का मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है बात समझ आ रही है मैंने ये एक लाइन लगा के बताया ताकि आप परेशान ना हो कि ये वाली और ये वाली साइड की बात हो रही है इस इसमें मैंने दो लाइनें लगाई हैं ताकि आप परेशान इस वजह से ना हो कि पहले भी तो लाइंस लगी हुई हैं ये डिफरेंट करने के लिए मैंने दो लाइंस लगा दी हैं ठीक है आगे अगर आप स्क्वायर को देखें तो इसकी भी चार साइडें ही हैं इट हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स भाई इसमें भी ये देखो फोर कॉर्नर्स हैं और साइड्स भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो फोर ही हैं। वन टू थ्री फोर लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में फर्क यह है कि इट्स आर इक्वल ये वाली साइड इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है इसका मतलब चारों साइडें अगर इक्वल हों तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं नेक्स्ट देखो भैया ये राउंड शेप आ गई ना तो राउंड शेप को आप क्या कहते हैं राउंड शेप को हम सर्कल कहते हैं अब आप इसमें देख रहे हैं क्योंकि जब दो साइडें आपस में मिले फिर कॉर्नर बनता है ना तो इसमें तो कोई साइड मिल ही नहीं रही बात समझ आ रही है अभी इसमें कोई साइड है ही नहीं तो कैसे मिलेगी ये तो सिंपल एक लाइन आपने इधर से शुरू की ये चलते चलते घुमाते घुमाते आपने उसी को उसके साथ ज्वाइन कर दिया तो साइड तो तब होगी ना कि अगर इस तरह इस फॉर्म में आएगी बात समझ रहे हो इसका मतलब है इसका ना तो कोई कॉर्नर है इट हैज नो कॉर्नर्स It has no sides, ना कोई कॉर्नर है ना कोई इसकी साइड है ठीक है अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट शेप पर तो इसके देखो कितने कॉर्नर है यानी और अगर इस कॉर्नर को इसके साथ मिला दिया जाए किसी लाइन से तो ये क्या कहलाती है साइड इसका मतलब इसकी साइडें काउंट करो वन टू थ्री तो साइडें कितनी है तीन कॉर्नर कितने हैं? तीन यही बात लिखी हुई इट थ्री साइड इट थ्री तो प्यारे बच्चों ये थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स जो आपने चार शेप्स पढ़ी उनकी आप कैसे पहचान कर सकते हैं इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है काउंट द नंबर ऑफ बेसिक शेप्स इन द फॉलोइंग कार्टून करेक्टर एंड राइट इन प्रोवाइडेड स्पेस माई नेम इज इधर आप नाम रख लें कोई भी उसके बाद आपने देखना है माई हैट हैज सर्कल्स भाई इसकी ये हैट है तो इसमें देखो कितने सर्कल हैं सर्कल सबसे पहले आपको पता होगा तो सर्कल बता सकोगे ना सर्कल होता है इस तरह का राउंड शेप ठीक है राउंड शेप होगी तो उसे सर्कल कहेंगे तो काउंट कर लेते हैं इसमें राउंड कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसका मतलब है माई हैट हैज सेवन सर्कल ठीक है उसके बाद अगर रिक्टेंगल्स की बात करो तो रिक्टेंगल में हमें पता है कि ये अगर दो साइडें आपस में बराबर हों और अगली दो साइडें कोई जो है वो आपस में बराबर हो तो वो रिक्टेंगल होती है इसका मतलब है इसमें एक रिक्टेंगल है और स्क्वेयर की बात करो तो स्क्वेयर में चारों साइडें इक्वल होती हैं तो इसमें वन स्क्वेर है अगर रिक्टेंगल की बात ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल शेप हमने पीछे देखा था ना ऐसी शेप जिसमें थ्री कॉर्नर हो और थ्री साइड हों तो इसमें तो कोई भी ऐसी शेप नहीं है लिहाजा इधर आप जीरो लगा देंगे जीरो शोज नथिंग आप देख रहे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं देखो जीरो वाला कॉन्सेप्ट आपने वो फर्स्ट यूनिट में सीखा था ये देखो अभी भी यूज हो रहा है जीरो शोज नथिंग यानी इधर कोई भी ट्राइंगल नहीं है इट मीन जीरो ट्राइंगल नेक्स्ट देखे माई फेस हैज अब इसके फेस की बात करो तो ये इसका फेस है तो कह रहे जी इसमें कितने सर्कल हैं पहला सर्कल तो ये फेस वाला आ गया दूसरा ये वाली आंख और ये वाली इसका मतलब है थ्री सर्कल्स है ट्राइंगल्स की बात करो तो इसमें ये वाली शेप एक की ट्राइंगल की है तो वो लगा दी अब रिक्टेंगल्स की बात करो तो रिक्टेंगल्स इसमें कौन सी हैं आप इनको ये देखो अगर इनको गौर करो तो ये इसी शेप में है ना तो इनको आप रिक्टेंगल्स कह सकते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी तो बात समझ आ रही है इसी तरीके से आपने इसकी बाकी बॉडी पार्ट्स के देखने शेप हो माई आर्म्स ये देखो ये इसकी दो आर्म्स है ना तो ये किस शेप की हैं ये दोनों रिक्टेंगल शेप की हैं ये आपने दे लिख देना शेप ऑफ माई बॉडी इज लाइक ये बॉडी है इसकी तो ये किस शेप की है तीन साइड है तीन कॉर्नर मीन ट्राइंगल शेप की शेप ऑफ माई बोथ लेग्स इज लाइक ये जल्दी से बताएं ये मैं चाहूंगा कि आप खुद मुझे बताएं चार साइडें हैं लेकिन आमने सामने वाली यानी अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो जल्दी से बताओ क्या आएगा इधर क्या आएगा रिक्टेंगुलर ठीक है तो ये रिक्टेंगल्स की तरह लग रही हैं उसके बाद माई फीट लुक लाइक अगर इसमें देखो तो ये इसके फीट हैं तो ये इस तरह के बने हुए ना तीन तीन साइडों वाले ठीक है तो ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल अगर इनको लहजा लहजा से देखो तो ये ट्राइंगर है शेप है और अगर इसे कलेक्टिवली आप देखो तो ये रेक्टेंगल शेप है बात समझ आ रही है तो इधर आप लिख देंगे माई फीट लुक लाइक ट्राइंगल सिंपल सी बात है ट्राइंगल की तरह लग रहे हैं और साथ में अगर इसको कलेक्टिवली पूरे को देखो तो फिर ये रिक्टेंगल शेप भी लग रही है नेक्स्ट इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है प्रैक्टिस सेक्शन की सूरत में लुक एट द पिक्चर कलर द गिवन सर्कल इन येलो भाई इस पूरी पिक्चर में आपने देखना है जहां जहां आपको सर्कल नजर आएंगे उसको येलो कलर कर देना है रिक्टेंगल इन रेड भी जहां रिक्टेंगल होगी उसे रेड कर देना ट्राइंगल में ब्लू कलर कर देना और स्क्वायर में ग्रीन कलर कर देना ये आपने इनमें कलर फिल करने हैं ठीक है तो ये देखो ये राउंड शेप है इसका मतलब है ये सर्कल है ठीक है तो सर्कल वाले में आपने क्या करना है येलो कलर उसके बाद लिखा है रिक्टेंगल्स इन रेड भाई देखो रिक्टेंगल कहाँ पे है एक तो रिक्टेंगल हमें नजर आ रही है ये वाली ठीक है तो इसको रेड कर दोगे ये भी रिक्टेंगल क्योंकि इसमें आप देख रहे हो आमने सामने वाली साइड इक्वल हैं ये भी रिक्टेंगल नज़र आ रही है तो ये सारे रेड कलर में हो जाएंगे आपको समझ आ रही है इसी तरीके से ट्रायंगल की देख लो तो ट्रायंगल में ब्लू करना है तो ये ट्रायंगल है तीन साइड है तीन कॉर्नर तो इसमें आप ब्लू कलर करेंगे इसमें आप ब्लू कलर कर देंगे नेक्स्ट है स्क्वायर में तो स्क्वायर में आपने ग्रीन कलर करना है तो ये स्क्वायर नज़र आ रहा है तो इसमें आप ग्रीन कलर कर देंगे ठीक है रिक्टेंगल की सूरत में अगर आप देखो तो ये भी जो डोर है इसका ये भी रिक्टेंगल शेप का है और अगर ये पूरे हाउस की बात करो तो ये पूरा का पूरा हाउस भी ये निचला हिस्सा अगर देखो तो ये सारा रिक्टेंगल शेप का है क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है इसका मतलब इसका जो बकाया पे, पार्ट होगा उसमें भी आपने रेड कलर कर देना बात समझ आ रही है अब इसमें से काउंट करते हैं कि कौन कौन सी बेसिक शेप्स कितनी है वो काउंट करके आपने इधर लिख देना सर्कल देखो तो वन टू वो आपने यहाँ पे लिख देना ठीक है काउंट द बेसिक शेप्स एंड राइट अकॉर्डिंगली इनको गिनते जाओ और लिखते जाओ अब रिक्टेंगल देखो कितनी है सबसे पहली बात तो रिक्टेंगल ये है जो निचले वाला हिस्सा एक दो तीन ये जो डोर है चार ये वाली विंडो पाँच और ये वाली विंडो का हिस्सा छः इसका मतलब है रिक्टेंगल्स कितनी हो गई छः और एक ये भी नज़र आ रही है सात रिक्टेंगल्स हैं ठीक है ट्राइंगल्स देख लें ये एक और ये दो इसका मतलब है टू ट्राइंगल्स हैं स्क्वायर की बात करो तो ये हमें सिर्फ ये वाला नजर आ रहा है यानी ओनली वन स्क्वायर ठीक है अब आगे लिखा गया व्हाट इज दिस दिस इज हाउस ठीक है एक घर नजर आ रहा है ना आपको इसी तरीके से इट हैज़ इसके डोर कौन सी शेप का है रिक्टेंगल शेप का है ना तो आप इधर रिक्टेंगुलर लिख देंगे विंडोज की बात करो तो विंडोज भी जो है रिक्टेंगुलर है ठीक है ये शेप्स के लिहाज से मैं लिखवा रहा हूँ ठीक है और अगर आप इसको नंबर्स के लिहाज से देखें तो इसका एक ही डोर है या इसमें इट हैज वन डोर कह सकते हैं आप ये नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विंडोज कितनी है वन टू तो इट हैज टू विंडोज अगर नंबर्स के लिहाज से सोचो तो ये भी हो सकता था ठीक है तो प्यारे बच्चों हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा उन्हीं से उनकी करैक्ट्रिस्टिक्स देखी कि ज्योमेट्रिकल शेप में दो तरह की करैक्ट्रिस्टिक्स होती हैं एक तो साइड्स और दूसरी उसके कॉर्नर्स ठीक है तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे हाफिज़